चार राज्यों में बीजेपी के जीत पर कोइलवर बीजेपी मंडल कार्यालय में खुशी। प्रखंड मंडल कार्यालय स्टेशन रोड में चार राज्यों में बीजेपी के जीत के खुशी से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रखंड मंडल कार्यालय में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा व खूब मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े व ढोल नगाड़े बजते रहे। आपको बता दें, चार राज्यों में जिसमें यूपी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसका नतीजा आज बृहस्पतिवार 10 तारीख को आया है, जिसमें सुबह से ही मतगणना स्थल पर दूसरे पार्टी को शुरू से ही पछाड़ते हुए चार राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। हर्षोल्लास के साथ इसके बारे में क्या मुख्य आज हम लोग जो यहाँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, आज आप लोग को ज्ञात होगा कि आज पूरे भारत में 5 स्टेट का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 में विजयी हुई है। आज से कुछ दिन पहले जो है किसानों के नाम पे जो आंदोलन को चलाया गया था पूरे देश में, आज रुझान और परिणाम आने के बाद लोगों को लग गया कि वो जो है गरीब किसानों को बगड़ा के काम किया जा रहा था, जिसको जनता ने नकार दिया और एक विकास के नाम पे वोट जो है योगी जी और मोदी जी और हमारे जितने भी चारों स्टेट में हम लोग जीत के आए हैं, वो जो परिणाम आया है उससे पता चलता है कि आज भी इसी खुशी में प्रखंड मंडल कार्यालय में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा, जिसमें मंडल अध्यक्ष संजीत रजक, महामंत्री अजीत सिंह, चंदन निषाद, उपाध्यक्ष उपेंद्र तिवारी, शिव कुमार सिंह, ऋतु राज, मंगल पांडे, राकेश कुमार शर्मा, शेखर गुप्ता, राजकुमार सौंडिक सहित अन्य कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। आज विशेष प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है, गुलाल से रंगे हुए आप लोग दिख रहे हैं, क्या मामला है, कैसे किस खुशी में हो रही है? योगी जी दोबारा आए हैं, ये 37 सालों का इतिहास है। 37 साल में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता को दोहराई है उत्तर प्रदेश में, उस उपलक्ष्य में हम लोग जश्न मना रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अबीर गुलाल में रंगे दिख रहे हैं आप लोग, बहुत खुशियां मनाई जा रही है। क्या आज चार राज्यों में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और मोदी और योगी के एक आने वाला समय में जो है बहुत बड़ा भारतवर्ष के इतिहास लिखने जा रहे हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की बहुत बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को और आगे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए हम विश्व पटल पर उतारेंगे और इसको एक भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का काम करने के लिए हम लोग आज इस जश्न को मना रहे हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में मजबूती से सरकार बनाए। विपक्षी तो हल्ला करेंगे ही, यहाँ तक कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम चोरी हो रहा है, लेकिन यही देखिए पंजाब में हमारी सरकार नहीं बन पाई है, वहाँ क्या विपक्षी हल्ला नहीं कर रही है? भोजपुर न्यूज के लिए कोइलवर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।